अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं आपके साथ इमरान अली। यहाँ पर जैसा कि आपने मेरी एक पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सोलर एक इंस्टॉल किया था, आज से तकरीबन कुछ 2-3 साल पहले की बात। तो उसके बाद आज यहाँ पर हम लगाने लगे हैं इन्वर्टर जो कि सोलिस में 20 किलोवाट में, और इसके साथ जो हमारे प्रोटेक्शन में डीसी ब्रेकर और इसके साथ हमने एसपीडी यूज़ की, और इसी के साथ ही जो कि हमने इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट जो कि लगाया है। यहाँ पर हमने लगाया है कि मिसाल के तौर पर हमारी लाइट बंद हो जाती है तो हमारा ये 3 फेज़ का इन्वर्टर जो कि बंद हो जाएगा। उसके दौरान अगर हम अपनी चक्की को रन करना चाहें तो उसको रन करने के लिए हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, चेकिंग भी इसकी हो चुकी हुई है और अब इसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको इसका मैं एक व्यू दे दूं। तो यहाँ पर जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये 3 स्ट्रिंग आ रही हैं, जो कि हमने 3 स्ट्रिंग अपने इन्वर्टर को भी दी हैं। इन्वर्टर को देने के बाद उसके अंदर हमने ये यूज़ मैग्नेट कनेक्टर यूज़ किए हैं जो कि लाइट जाने पर हमारे ये कनेक्टर के ज़रिए हमारा डायरेक्ट लोड चला जाएगा। इन्वर्टर VFD नीचे लगा हुआ है तो वो भी मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ नीचे। तो यहाँ पर जो कि हमने फिर उसके बाद VFD को यहाँ से करंट जाएगा, नीचे हमने रखा हुआ है चेंज ओवर को जब हम ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे हमारी ये तीनों स्ट्रिंग जो कि सोलर पैनल की वो हमारी वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपको नीचे लेके चलते हैं, तो वहाँ पर आपको VFD भी दिखाते हैं और इसके बाद हमारा थोड़ा नीचे काम है, वो करने के बाद आपको फाइनल मैच का भी दिखाते हैं।